हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं आपका ड्रीम फॉरवर्डी और आज आ गया हूं मैं कुछ एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लेके जो यूके होम ऑफिस ने अभी अभी अपनी वेबसाइट पे अपडेट किया है और मुझे लगता है कि आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। बट वीडियो शुरू करूं उससे पहले जो भी मैं आपको बताता हूं इस कंप्लीटली बेस्ड ऑन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। डू योर ओन रिसर्च, चेक विद द वीजा कंसल्टेंट, ऑफिशियल वेबसाइट, ट्रस्टेड सोर्सेज, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। तो दोस्तों सबसे पहले अभी आज 12 अगस्त है, यूके होम ऑफिस ने अभी अपडेट किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये अपडेट किया है कि अब फाइनली प्रायोरिटी सर्विस और सुपर प्रायोरिटी सर्विस वर्क वीजा के लिए और स्टडी वीजा के लिए ओपन हो गई है। तो अब स्टडी वीजा जो अप्लाई कर रहे हैं, जो वर्क वीजा जो अप्लाई कर रहे हैं, वो प्रायोरिटी सर्विस और सुपर प्रायोरिटी सर्विस जो अब तक सस्पेंडेड थी, आज से वो ओपन हो चुकी है। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी खबर है जो अब जो आज आई है। तो इसलिए जो भी लोग अभी अपना वीजा अप्लाई करने वाले हैं डेफिनेटली करें। अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो प्रायोरिटी सर्विस पे करें, और थोड़ा ज्यादा पैसा है तो सुपर प्रायोरिटी सर्विस में करें। और मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि दोनों आखिर होते क्या है। प्रायोरिटी सर्विस में आपका 5 डेज के अंदर आपका कलेक्शन होता है, ओके, पासपोर्ट कलेक्शन का मैसेज आ जाना चाहिए, तो 5 डेज का टाइम लगता है। प्लस जो सुपर प्रायोरिटी सर्विस है उसमें नेक्स्ट डे ही आपको डिसीजन मिल जाता है। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट कभी कभी एम्प्लॉयर ही ये इसको स्पॉन्सर भी कर देता है। तो दोस्तों प्रायोरिटी सर्विस, सुपर प्रायोरिटी सर्विस अभी ओपन हो गई है। प्लस ऐसा नहीं है कि अगर आपकी आपका हर बार प्रायोरिटी सर्विस में 5 डेज और सुपर प्रायोरिटी में 1 डे में ही रिजल्ट आ जाएगा। कभी कभार और मैक्सिमम टाइम पे होता क्या है कि आपकी एप्लीकेशन स्टेट फॉरवर्ड नहीं होती है, जिसकी वजह से उनको और फर्दर चेक करना होता है। बट यूके होम ऑफिस ने क्लियरली कहा है कि जिस भी एप्लीकेशन, जिस भी डिसीजन मेकिंग स्टेजिंग पे आपकी एप्लीकेशन होगी, तो बेस्ड ऑन योर जो आपने प्रायोरिटी सुपर प्रायोरिटी सर्विस ली है, आपकी एप्लीकेशन हमेशा प्रायोरिटी पे रखी जाएगी। बट अगर नॉट स्टेट फॉरवर्ड है तो डेफिनेटली वो टाइम लगेगा, बट थोड़ा जो नॉर्मल से कम लगेगा। तो ये दोस्तों ये है, एक बार और देख लेते हैं कि अभी लेटेस्ट टाइमलाइन क्या चल रही है। और उसमें सबसे पहले हमारा आता है विजिट वीजा। तो विजिट वीजा अभी भी नॉर्मल एवरेज 7 वीक्स का टाइम ले रहे हैं, तो इसलिए विजिट वीजा वाले इतना टाइम पक्का एक्सपेक्ट करके चले हैं। वो या स्टडी वीजा के लिए, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि अब वो सारी रिस्ट्रिक्शन जो डिले की थी वो हट चुकी है, और जो स्टैंडर्ड टाइम है 3 हफ्ते का, वो नॉर्मल टाइम पे ही अभी जो स्टडी वीजा है वो आ रहे हैं एवरेज। और वर्क वीजा भी, या वर्क वीजा, स्किल्ड वर्कर वीजा जो भी, और इन्वेस्ट वीजा जो है, वर्क और इन्वेस्ट वीजा जो है, इंक्लूडिंग स्किल्ड वर्कर वीजा एप्लीकेशन जो यूके होम ऑफिस ने लिखी है, वो अभी भी 4 वीक्स का एवरेज टाइम ले रहे हैं। लेकिन जितने भी मेरी लोगों से बात होती है, सबका एक नॉर्मल 3 वीक्स के ही, जो 3 वीक्स का जो स्टैंडर्ड वर्किंग टाइम है उसमें वो आ रहा है वैसे, लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है कि 4 वीक्स का टाइम अभी भी ऑन एन एवरेज लग रहा है। ज्वाइन योर फैमिली, मैं अभी इस टाइम पे इन्होंने लिखा हुआ है कि जो फैमिली वीजा है उसमें 24 वीक्स का टाइम लग रहा है प्रोसेस होने को। फैमिली वीजा को अपने डिपेंडेंट वीजा से मत कंफ्यूज कर लेना। डिपेंडेंट वीजा जो आप स्किल्ड वर्कर या स्टडी वीजा के बेस पे जो डिपेंडेंट लगाते हो, उनका वही टाइम फ्रेम होता है जो खुद स्टडी और उसका है, मतलब 3 वीक्स का जो स्टैंडर्ड टाइम है वही चल रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो से थोड़ी सी क्लैरिटी होगी। जल्दी से जल्द वीजा अप्लाई करें, लोगों के वीजा काफी जल्दी स्पीड से इस टाइम पे आ रहे हैं, अच्छा टाइम है, कोई डिले नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो डेफिनेटली दोस्तों आप वीजा अप्लाई करें। बाकी आशा करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।